दोस्तों, अगर आप एक इकामा होल्डर हैं, चाहे फिर वो आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या किसी मुसस्से में काम करते हैं या आज़ाद कहीं पर काम करते हैं, तो आपको इस बात का लाजमी पता होना चाहिए कि आपके इकामे की एक्सपायरी डेट क्या है और आपका इकामा उसकी डेट चेक करने का तरीका भी क्या है, क्योंकि आपको इसकी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है अपने बहुत से डॉक्यूमेंट को फिलअप करने के लिए, छुट्टी जाने के लिए, खरोज जाने के लिए। तो आपको आपके इकामे की डेट ख़ुद चेक करने का तरीका पता होना चाहिए। यह तरीका अगर आपको पता होगा तो आप अपने दोस्त का भी चेक कर सकते हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार का, किसी का भी आप इकामा चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखें, मैं ये क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करें। इसके ऊपर जस्ट आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और ये जो यहाँ पर टाइप करने वाली जगह है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, देखें, ये यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, यही आपने टाइप करना है यहाँ से देख कर। ये देखें, www.moi.gov.sa इकामा चेक, ये लिख के आपने इसको ओके कर देना है। इसको लिख के जब आप ओके करेंगे, आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ये वेबसाइट नज़र आएगी इसी की, ये आप देखें, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है CIW, ये आपने देख लेना है। इसी को आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। को जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपने नीचे आना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश में हो गया। अगर आपका अरबी में हुआ तो आपने उसको इंग्लिश में कर लेना है। उसके बाद इस बॉक्स को आपने यहाँ से टिक कर देना है और नीचे से इस बॉक्स को आपने अगेन टिक कर देना है। तो इस बॉक्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखें, पहले बॉक्स में आपने अपना इकामा नंबर लिख देना है। ये जो नीचे वाला बॉक्स है, इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और जो भी आप ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद ये वाला कोड आपने ऊपर से देखकर यहाँ नीचे वाले बॉक्स में लिख के ये नेक्स्ट वाले बटन पे एक दफ़ा क्लिक करना है। तो चलें, ये सारी डिटेल अब मैं यहाँ पर लिख कर ओके करता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ऊपर से कोड देखकर नीचे लिख दिए। अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जब आप नेक्स्ट करेंगे फिर देखें, आपके मोबाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। कोड हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम ये देखें, सेंड का बटन है, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो सेंड पे मैंने क्लिक किया है। अब इस इकामे की जितनी भी डिटेल थी सारी यहाँ पर ये शो हो चुकी है। प्राइवेसी की वजह से ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं रहा। तो इस तरह आप अपने इकामे की या अपने किसी भी दोस्त के इकामे की सारी डिटेल, एक्सपायरी डेट और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।